हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और मेरे यूट्यूब चैनल जी आर यू इमेजिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर स्वाइप अप वाला फीचर्स कैसे लिया जा सकता है। अगर स्वाइप अप वाले फीचर्स की बात करें तो ये केवल उन लोगों को मिलता है जिनके इंस्टाग्राम पर बिजनेस अकाउंट होता है या फिर जिनके इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके होते हैं। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर आपके 10,000 फॉलोअर कंप्लीट नहीं हुए हैं या आपके 0 फॉलोअर हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी स्वाइप अप वाला फीचर्स बड़े ही आसानी से कुछ ही मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, स्वाइप अप वाले फीचर्स की हेल्प से आप अपने किसी भी वीडियो को या वीडियो के लिंक को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोज बनाऊंगा उन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको दो स्टेप फॉलो करने के लिए कहूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन दिखाई दे रखा होगा, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर में IGTV का एक ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर आपको टच करना है। टच कर देने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दे रखा होगा, इस पर आपको टच करना है। टच कर देने के बाद यहाँ से आप 1 मिनट 1 सेकंड का वीडियो सेलेक्ट करोगे। अगर आपका वीडियो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का है तो आप काइन मास्टर के थ्रू 1 मिनट 1 सेकंड का आप कर सकते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड का करने के बाद यहां पर आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहां पर आपको ये जो ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट राइट करके आप एज अ लाइक थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर देने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर आपको टच करना है। टच कर देने के बाद यहां पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो मैं बता रहा हूं वही डालोगे। यहां पर मैंने यहां पर टाइटल में लिख दिया है पूरी वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर टच करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको अपना इस वीडियो का लिंक देना है। मैं वो लिंक सेलेक्ट कर लेता हूं। सपोज दैट इस वीडियो का मैं लिंक शेयर करना चाहता हूं, उसके लिए यहां पर कॉपी लिंक पर टच करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने इंस्टाग्राम पर और यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा। लिंक पेस्ट कर देने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा पोस्ट का, सिंपली आपको इस पर टच करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अपलोडिंग हो रही है, यानी कि ये वीडियो अपलोडिंग हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है। जब ये अपलोड पूरी हो जाएगी तब हमको सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप बैक आ जाना है। दूसरे स्टेप में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको योर स्टोरी का एक ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर आपको टच करना है। टच कर देने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के बाद वो फोटो सेलेक्ट करनी है जो आप थंबनेल या फिर अपने स्टोरी पर लगाना चाहते हैं। उसके लिए सिंपली मैं वो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वो पिक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्वाइप अप का एक जिफ इमोजी देंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है स्वाइप अप और यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर टच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्वाइप अप के जिफ फाइल शो हो रही होंगी। जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगती है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लिंक टाइप का ऑप्शन दे रखा होगा, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद IGTV वीडियो को सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो जो वीडियो अभी आपने अपलोड की थी उसको आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो राइट का क्लिक का निशान है यहाँ पर आपको टैप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर सेंड टू पर टच करना है। सेंड टू पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर पर टच करना है और यहाँ पर सिंपली आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसको ऊपर स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियो आपने लगाई है 1 मिनट की वो यहाँ पर स्टोरी पर शो होने लग जाएगी। अगर आपका व्यूअर है कोई इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए, जब वो टच करेगा तो यहाँ पर पूरी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर लिंक पर टच करे, वो यहाँ पर जैसे ही टच करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लिंक जो मैंने YouTube वीडियो का दे रखा है, जैसे वो यहाँ पर टच करेगा वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके YouTube वीडियोज पर, जिससे कि आपका व्यूअर भी काउंट होगा, वॉच टाइम भी काउंट होगा और ऑडियंस रिटेंशन भी काउंट होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं मैं रिडायरेक्ट होकर अपने YouTube चैनल पर आ गया। अब आपका व्यूअर यहाँ पर आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर सकता है, आपकी पूरी वीडियो भी देख सकता है और यहाँ पर आपको लाइक भी दे सकता है। तो इस तरीके से हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट 10,000 फॉलोअर एंड विदाउट बिजनेस अकाउंट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।